अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कह रहा है, मान लीजिए कि बंधंतराल ए बी पर परिभाषित एक फलन एफ इस प्रकार है, इस प्रकार की सभी x belongs to a b के लिए f dash x 0 से बड़ा है। तो सिद्ध कीजिए कि a खुला अंतराल a b में f जो है निरंतर वर्धमान है, वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें दिखाना है, ठीक है, वर्धमान फलन है, ये हमें दिखाना है, फंक्शन f वर्धमान फलन है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अंतराल दिया है, बंद अंतराल ए बी पे परिभाषित एक फंक्शन एफ है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे बंद खुला अंतराल ए बी से, तथा x1 जो है छोटा है x2 से, यानी x2 बड़ा है x1 से, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग जो हमारा लैग्रांजे थ्योरम था, हमने पढ़ा है इसी चैप्टर, है ना, इसी चैप्टर में पढ़ा है लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम जो था, उसके रेस्पेक्ट अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटा में x2 माइनस x1 बराबर में f डैश c, जहां c किससे बिलोंग करेगा, तो x1 और x2 के बीच। मैंने क्या किया कि इसी अंतराल के दो बिंदु x1 और x2 ले लिए, जिसमें x2 जो बड़ा है x1 से। तो अगर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करें तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जाकर उधर गुना में जाएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन और बटा में एक्स टू माइनस एक्स वन जो है उसको मैं उधर लेके चले जाता हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में एफ डैश सी, ऐसे लिख सकता हूँ ना जी। चलिए अब चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि आपका एक्स टू जो है बड़ा है एक्स वन से, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन जो है छोटा है एक्स टू से, एक ही बात होगी। तो अगर मैं इसको इधर लेके चला, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और चूंकि है ना, तथा ये भी देख सकते हैं कि f डैश x का मान 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू खुला अंतराल ए बी। तो इस अंतराल का एक बिंदु मैं c भी देख रहा हूँ, देखिए x1 और x2 भी तो आपका उसी अंतराल का बिंदु है, और उसके बीच में एक सी बिंदु देख रहा हूं, तो उसका भी मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये सी भी बिलोंग कर रहा है आपका इसी अंतराल में, या x1 x2 वाले अंतराल में हम लोग लिख सकते हैं, x1 x2 के अंतराल में, और x1 x2 कहां से अंतराल लिया गया, वो खुला अंतराल ए बी से ही ना, वो अंतराल लिया गया है, देख रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए तो एफ डैश सी भी 0 से बड़ा होगा, तो देखो एफ डैश यह भी 0 से बड़ा और यह भी 0 से बड़ा, तो दोनों 0 से बड़े हैं तो इनका गुना भी 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एफ एक्स टू बड़ा होगा एफ एक्स वन से, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स वन छोटा होगा एफ एक्स टू से। तो आपने ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर अगर x1 x2 से छोटा है तो f x1 का वैल्यू भी f x2 से छोटा हो जा रहा है ना, इसलिए f x खुला अंतराल ए बी में वर्धमान फलन है, हमें वर्धमान दिखाना था, एक्चुअल में ये निरंतर वर्धमान है, आप इसे निरंतर वर्धमान भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखना ना इक्वल का इसमें सिंबल नहीं आ रहा है, तो हमेशा ये बड़ा ही होगा, ठीक है, तो इसमें हम निरंतर वर्धमान भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर